हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत दूर दूर से और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है। आप सब बच्चे उनको भेज रहे हैं, बड़े भी भेज रहे हैं और शायद हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हमें इस तरह के वीडियोस को भेज रही हैं और ये मुझे देख कर के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग खुद एक्सप्लेन भी उन चीज़ों को कर रही हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे पास आया है हिमाचल प्रदेश से और भेजने वाली हैं निधि शर्मा। निधि क्लास 12th के स्टूडेंट है और अपने गार्डनिंग को वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करती है। तो चलिए मिलते हैं निधि से और उनके गार्डन को देखते हैं उन्हीं के साथ। हेलो, माय नेम इज निधि शर्मा फ्रॉम हिमाचल। आज मैं आपको अपना सारा गार्डन बताने जा रही हूँ और आज मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। ये डेंथस का प्लांट है, इसमें 3-4 कलर के प्लांट हैं और ये प्लास्टिक के गमले में लगा है। ये पर्पल हार्ट, इसको मैंने कलर के डब्बे में लगाया था और इसको मैंने खुद पेंट किया है टप्पे को। आगे ये एलोवेरा की स्मॉल वैरायटी, इसको भी मैंने कलर के डब्बे में लगाया है और पेंट किया है। ये सक्यूलेंट्स है, इसको मैंने मिट्टी के बर्तन में लगाया है। और ये स्पाइडर प्लांट है मेरा, इसको भी मैंने मिट्टी के बर्तन में लगाया है। आगे ये मेरा क्लेंचो का प्लांट है, इसको भी मैंने डिब्बे में लगाया है और डिब्बे को पेंट कर दिया है। ये एक और सक्यूलेंट्स की वैरायटी है, इसको भी मैंने मिट्टी के बर्तन में लगाया है। आगे यह एक और प्लांट है और ये प्लांट एक प्लांट है, ये पॉट मैंने खुद प्लास्टिक की बोतल से बनाए हैं और इसको पेंट कर दिया है। यहाँ से मैंने इस बोतल को मैंने जला दिया है आगे से, क्योंकि यह आगे से फट जाती है। डेंथस का एक और प्लांट है मेरे पास, इसको मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया है। मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं आज। यह अब बंद होने वाला है और इसको भी मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में लगाया है। ये मेरा एक और प्लांट है, इसको मैंने मिट्टी के कुंडे में लगाया है। और ये कुछ फ्लावर्स के पौधे लगाए हैं, इन्हें अभी फ्लावर्स आने वाले हैं। ये एक और फ्लावर, और इसको मैंने लोहे की बाल्टी में लगाया है। मैंने अपने गार्डन में कुछ स्पेशल चीज़ें भी बनाई हैं और ये मैंने एक शिवजी भगवान का मंदिर का रूप दिया है। ये घर भी मैंने अपने आप बनाया है, परंतु अभी इसमें मैंने फ्लावर्स लगाने हैं। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, इसको मैंने एक पीपे में लगाया है। ये मेरा पेटोनिया का प्लांट है, इसको भी मैंने एक पीपे में ही लगाया है। ये पॉट भी मैंने बोतल से ही बनाया है और इसमें ये प्लांट लगाया है। ये पॉट भी मैंने खुद बनाया है, इस पर मैंने सेंसेवेरिया लगाया था। यहाँ पर ठंड बहुत होती है, इससे ये जल गया था सारा ही। ये एक और सक्यूलेंट्स है, इसकी मिट्टी बिल्कुल नरम है। ये क्लेंचो की मैंने छोटी सी कटिंग ग्रो की थी और ये भी अभी अच्छी चल रही है।
ये पॉट भी मैंने खुद बनाया है। ये टूटे हुए कप से मैंने एक और पॉट बना दिया है। ये एक और सक्यूलेंट्स, इसको मैंने एक कटोरी जैसे में लगाया है। ये पॉट भी मैंने खुद बनाया है। ये पॉट भी मैंने अपने आप बनाया है और इसको अच्छी तरह से सजा दिया है पेंट कर कर। एक मैंने टेडी बियर पॉट बनाया था पर यह खराब हो चुका है। ये सेंसर एरिया की कटिंग्स लगाई हैं और ये अब ग्रो हो गई है अच्छी तरह से। ये एक और सक्यूलेंट्स है, इसको मैंने खुद तैयार किया है और ये कुछ पेंटिंग्स बनाई है मैंने स्टोन के ऊपर। इस पर मैंने अपना नाम लिखा है। ये मैंने जेड प्लांट की कटिंग्स लगाए हैं और इसको भी मैंने मिट्टी के में बर्तन में लगाया है। और ये देंथस की कटिंग्स लगाई हैं इसमें। ये एक प्लास्टिक के डिब्बे जैसे हैं। इन सभी देंथस की मैंने बीज लिए थे और फिर भी इनको खुद ग्रो किया था। इन सब पॉट्स को मैंने खुद कलर किया है। उम्मीद है दोस्तों, निधि ने जो वीडियो मुझे भेजा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ नए आइडियाज़ इससे आपको मिल पाए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।